हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज आपको मैं बालों को कलर करने का एक नया तरीका, जो कि सिंपल रेमेडी है। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ मिक्स करते हैं अपने बालों को कलर करने के लिए, तो आपको मैं सिंपल रेमेडी बता रही हूँ जो साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, जो है हर्बल है आपके बालों के लिए, और शाइन भी देगा, बालों की लेंथ को बढ़ाएगा, बालों को कलर भी देगा, बाल बहुत ज़्यादा चमकदार होंगे। ये मैं करवा चौथ के बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने ये करवा चौथ के पहले किया। बालों को कलर करने के लिए इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके पास इतना भी नहीं है तो आपके पास समझ लो कुछ भी नहीं है। इतना सिंपल रेमेडी शायद ही कोई आपको बताएगा। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से आप ऐसे तैयार कर सकते हो, अपने बालों को कलर कर सकते हो, शाइन बना सकते हो, बिल्कुल कंडीशनर भी दे सकते हो। जी हाँ, जो हमने चाय की पत्ती से पानी तैयार किया उसमें कंडीशनर भरपूर होता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, साथ में आपके जो बालों को कंडीशनर देने में पूरी हेल्प करता है। तो ये चाय पत्ती के पानी से बना हुआ ये हमारा जो हेयर पैक है वो बहुत अच्छा है। तो देखिए, हमने अपने बालों को वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद सूख गए, अब इसको हम कॉम कर लेंगे, क्योंकि बालों में लगाने में बहुत इजी होता है। कंघी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों में, क्योंकि अगर आप कंघी नहीं करोगे तो आपके पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। और एक चीज़ अब मैं आपको बता दूँ, स्किन की केयर मैंने जितना डे बाई टू डे मैंने किया था, क्योंकि करवा चौथ आ रही थी, तो मैंने सारी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके एक बार देख सकते हो मेरे चैनल पर। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने पूरे बालों में इसको लगाऊँगी। तो ऐसे जैसे मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि जूड़ा बनाना नहीं है, बस आपको ऐसे ही आगे ही लेंथ में जैसे हम अपने हेयर पे ऑयल लगाते हैं वैसे आपको लगाना है। हाथों को ऐसे, मतलब क्योंकि हाथों में करवा चौथ आ रही है तो मेहंदी भी लगानी है, कलर चढ़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे पन्नी। घर में आपके पॉलीथीन होगी होगी, सब्जियां आती हैं उसी पन्नी से, देसी जुगाड़ में तो देसी जुगाड़ करती हूँ, कोई हैंडबैग नहीं ढूंढती कि मुझे हैंडबैग ही मिलेगा तभी मैं अपने बालों को कलर करूँगी। आपको इससे आसान चीज़ें नहीं मिल सकती। मैंने इस आसान बनाने के लिए अपने हाथों में ये पन्नी मैंने बांध लिया, अब दूसरे हाथों में भी मैं ऐसे ही बांध लूँगी, क्यों इससे क्या होगा, अभी मुझे मेहंदी भी लगानी है करवा चौथ पर, तो हाथों में कलर ना चढ़े इसकी वजह से हम पन्नी लगाए। पन्नी लगा लेने से आप इजी आराम से लगा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपके हैंडबैग से ही आपको आराम से मेहंदी लगती है, जो है पन्नी से भी आराम से लग जाती है, बहुत लोग यही कैरी करते हैं। और मैं अपने बालों को ऐसे बस दो पार्ट से मैं कर ली हूँ, आराम से एकदम ऑयल की तरह मैं लगाऊंगी आपको पतले लेयर में, इसीलिए मैंने पतला घोल तैयार किया है, एकदम ऑयल की तरह आपको लगाना है, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। आपको जड़ों में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपने बालों को कलर दे रहे हैं, अपने बालों को मेहंदी लगा रहे हैं शाइन देने के लिए, तो बालों के लेंथ पे लगाएं। मैं बालों को ऐसे ही छोड़ दूंगी, सारे लेयर टू लेयर मैं अपने बालों में अप्लाई कर लूंगी। आप देख सकते हो मैं पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर, बिल्कुल जितनी क्वांटिटी मैंने मेहंदी बनाई है बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं, सारे बालों में लगा लूंगी। आप अपने बालों के हिसाब से मेहंदी तैयार करिएगा, इतना तो आपको पता ही होगा कि हमें अपने बालों के हिसाब से कितनी मेहंदी रेडी करनी होती है। तो इससे आसान सा उपाय शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना आसान सा ये रेमेडी है आपके बालों को भरपूर पोषण देने के लिए। कोई केमिकल चीज़ें नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं मिल सकता। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप करवा चौथ तो अभी निकल चुका है, आगे भी अगर आप अपने बालों को कलर करना चाहती हैं, या बालों को शाइन, या फिर भरपूर हेयर ग्रोथ के लिए, या फिर डैंड्रफ हटाने के लिए, बालों को लेंथ को ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो ऐसे आप मेहंदी रेडी कर सकते हो, या फिर मेहंदी लगाने में आपको दिक्कत होती तो ऐसे आप अपने बालों में मेहंदी भी लगा सकते हो। मैं बहुत आसानी से मेहंदी पूरे बालों में अप्लाई किया था, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने बालों को कंघी करना मत भूलिएगा। मैंने अपने बालों में पूरे में अच्छे से एक साइड में अप्लाई कर लिया है, अब मैं एक छोटा सा क्लचर लूँगी और एक साइंस जूड़ा बना करके अपने बालों में लगा लूँगी। आराम से तो नहीं बन पाता, क्योंकि वीडियो में जब मैं शूट करती हूँ हेयर के लिए तो पूरा अच्छे से नहीं प्रॉपर बन पाता, तो अभी मैं कुछ टाइम बाद किसी और के हेयर में भी ट्राई करके अगर कोई भी रेमेडी बनाती हूँ तो लगाने की कोशिश करूँगी। और मैंने अपने बालों में लगाया तो वीडियो भी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि पीछे से अच्छे से आराम से ज़्यादा लगता है, दूसरों के बालों में जितना अच्छे से लगा लो अपने बालों में लगाने से बहुत, मतलब थोड़ा दिक्कत आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो अपने बालों में। तो मैं अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर ले रही, एक साइड अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो कि मेरे पूरे बाल में अच्छे से अप्लाई हो चुका है, कहीं भी बाकी नहीं है। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहीं पे ही एक
पोनी की तरह यानी कि जूड़े की तरह ऐसे गोलाई दे करके एक छोटा सा क्लचर लगा दूँगी। फिर मैं दूसरे साइड में लगाना शुरू कर दूँगी। अब आप देख सकते हो मैं दूसरे साइड में अब लगा रही हूँ। मैंने सारे बालों को ले लेना है। इसको मैं 3 से 4 पार्टीशन करके अपने हेयर में पूरे में अच्छे से मेहंदी लगाऊँगी। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। अगर आपकी हेयर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो उसमें ज़्यादा पार्टीशन कर सकते हो जो है, और आप अगर कम बाल हैं तो मेरे से पहले भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मेरे बालों का ग्रोथ थोड़ा सा है, ज़्यादा है तो मैं थोड़ा लेट लग रहा है। आपके हल्के बाल और भी ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा मेरे से कम टाइम लगेगा। मैंने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करना। मेरे बाल कुछ वाइट हो चुके हैं। जहाँ मैं अभी रह रही हूँ यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से मेरे बाल वाइट होना शुरू हो गए हैं और मुझे बालों की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो आप बालों के ऐसे ही अपने पूरे बालों के लेंथ पे लगा लीजिए। देख लीजिए आप कहीं भी ना मेरे कपड़े पे टपक रहा है ना मेरे फेस पे लग रहा। मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ूंगी क्योंकि कल करवा चौथ है। आज मैं अपने हेयर पे लगा रही हूँ और मैं अपने पूरे बालों में लगाऊंगी। 4-5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब मैं अपने जाऊंगी शॉप पर, बहुत सारे लोग आए हैं थ्रेडिंग के लिए, तो मैंने सोचा सुबह मॉर्निंग में इसको लगा लेती हूँ। वैसे अपने शॉप पे काम करूंगी, लोगों के हाथों में मेहंदी भी लगानी है और अपनी अपना भी काम करना है, बालों में सबकी थ्रेडिंग करनी है, फेसियल करना है, तो 4 से 5 घंटे आराम से बीत जाएंगे। फिर उसके बाद मैं अपने हेयर को वॉश करूँगी। सूखा नहीं है फिर भी देखिए काफ़ी हद तक सूख चुका है। मेरे बालों में शाइन कितनी आई है और सूखने के बाद तो माइंड ब्लोइंग, आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था मेरा हेयर और जूरा भी बनाने में बहुत सुंदर लगे थे। करवा चौथ पे लुक एक बार ज़रूर क्रिएट कर, अच्छी लगी।